ये जो मणिकंठ राठौड़ एक चोर है, इस चोर ने बोलता हमारे पास झाड़ू है, हम उस झाड़ू से मारने का तरीका मालूम है, हमारे जो घर में हथियार है हम बाहर निकाल भी ले सकते हैं, अगर हम बाहर आते तो हम एकट होते तो तुमको भगाना पड़ेगा, तुम आउट देश छोड़कर भागना पड़ेगा बोल के उसने एक स्टेटमेंट दिया। इसको घर घुसकर झाड़ू जो बोला ना, झाड़ू से मारते नंगा लेकर आते हमने, तेरे को तो आंदोलन स्वामी जैसे स्वामी तेरे आगे करके तेरा लाइफ बर्बाद कर रहे, उस स्वामी के ऊपर भी अभी रउडी शीट ओपन होना है, क्योंकि कतरनाड 7 with 324 केस होता है तो गरीब लोगों के ऊपर इमीडिएटली आप रउडी शीट ओपन किया आपने, लेकिन मणिकंठ राठौड़ जहां भी मिलता झाड़ू से मार के लेकर आते। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय नॉर्थ कर्नाटकास मोस्ट अवेटेड विंटेज रिट्रीट रिसोर्ट इज नाउ ओपन एट बिदर, विलास एंड कॉटेजेस, स्विमिंग पूल एंड कॉकटेल लॉन्च, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, बोट डाइनिंग, सनसेट व्यू पॉइंट, वेरियस सेल्फी पॉइंट्स एंड मच मोर। आप सबको मालूम है जो गुलबर्गा में या कर्नाटक में दलित सेना एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, माननीय रामविलास पासवान जी ने इस ऑर्गेनाइजेशन जो स्थापना किया, उस ऑर्गेनाइजेशन का मैं स्टेट प्रेसिडेंट सालों से हूँ, 3-4 साल से 3-4 बार मैंने स्टेट प्रेसिडेंट बना हूँ, और हमारे जो नेशनल प्रेसिडेंट है फूड मिनिस्टर पशुपत कुमार पारस साहब जी ने, हमने यहाँ गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट एंड हैदराबाद कर्नाटक रीजन में दलित सेना की जो स्ट्रेंथ है हमने जो ये एडमिनिस्ट्रेशन को मालूम है, यहाँ गुलबर्गा में या बीदर, रायचूर, बीजापुर, यादगिरी, ये कुछ जो हैदराबाद कर्नाटक रीजन जो आता, जो फूड माफिया के खिलाफ जो मैंने फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है नरेंद्र मोदी साहब का, उसी इलाके का स्टेट कंसल्टेंट कमेटी मेंबर था मैंने, और मुझे मालूम है कि फूड माफिया कैसा काम करता है यहाँ कर्नाटक में बोल के, और स्पेशल गुलबर्गा में तो फूड माफिया के जो क्रिमिनल्स है उन लोगों को बहुत सारे जो इल्लीगल जो राइस जो रेशन से रेशन जो मिलता राइस वो राइस फूड वो जो सप्लाई करता था, तो बहुत सारे लारी को पकड़ा कर हमने उनका केस भी करवाए थे, उनके बारे में बहुत सारे एजिटेशन हो गया, बहुत सब कुछ हमने किया है। उसमें जो वहाँ की जो डान बोलकर अभी थोड़ा जो उभर आ रहे हैं वो मणिकंठ राठौड़ बोल के, उसने तो मणिकंठ राठौड़ ने जो उनका ऊपर मैंने 38 मैं कल आपको पूरा डिटेल लेकर आता हूँ, कोर्ट में भी मैटर पेंडिंग है, 38 केसेस उनके ऊपर है, यहाँ खाली गुलबर्गा नहीं है, ऑल ओवर कर्नाटक में हर पुलिस स्टेशन में मणिकंठ राठौड़ एक माफिया की डान है, और ये रेस्ट फूड का फूड चोर है बोल के उनका बहुत सारे ईसी एक्ट में केस तो फाइल हुए हैं, हमें मालूम है। इसके बारे में हमने पूरा ऑल ओवर जो स्टेट गवर्नमेंट को हमने नॉलेज लाने की कोशिश किया, होम मिनिस्टर के नॉलेज में लाए हमने, डीजी एंड एडीजी साहब को नॉलेज में लाए हमने, और हमने डिमांड की थी कि इनको इमीडिएट अरेस्ट करना, गुंडा तो पहला ही है ही वो, रउडी शीटर तो रउडी शीटर तो पहला ही है ही वो, यहाँ तो इनका जो आस्थान है ये यादगिरी डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा तांडा में रहता है, वो तांडा के अगल बगल में जो फूड यादगिरी के जो बीजापुर को फूड वहाँ ला कर वहाँ से सप्लाई करते बोल के सब मालूम है। तो हमने इनका जो चेन सिस्टम तो ब्रेक करने की मैक्सिमम कोशिश किए थे, और इनके ऊपर और जो गुंडागर्दी, हाफ मर्डर कोशिश और चोरी ऐसे केसेस में इनके ऊपर जो यहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो पिछले जो कमिश्नर पुलिस साहब कमिश्नर डॉक्टर वाई एस रवि कुमार साहब थे उसने तड़ी पार के लिए ऑर्डर भी किया, तड़ी पार ऑर्डर भी गया, उसने मणिकंठ राठौड़ स्टे लेकर अभी बाहर है। इस मणिकंठ राठौड़ पहले बात करता था प्रियंका खड़गे साहब के और मल्लिकार्जुन खड़गे एंड कांग्रेस लीडर को लोगों के खिलाफ कुछ बोलते थे, हमारे बारे में एक दो बार उसने मीडिया में आकर बहुत गंदी बात बोले और बहुत इंसल्टिव अब्यूसिव वर्ड भी उसने बोला है कि उनका दिमाग है उनका हैसियत के हिसाब से उसने बात की, बहुत सारे गंदी बात की, हमने चुप रहे थे। अब कल या परसों कुछ हमने सोशल मीडिया में हमारे रायचूर के कुछ फ्रेंड्स फ़ोन करके बताया कि इस ये जो फूड माफिया के चोर है जो गरीब लोगों के जो कर्नाटक सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट जो सप्लाई करता फूड, उस फूड सप्लायर जो चोर सप्लायर है ये मणिकंठ राठौड़ ये जे सदस्य
डॉक्टर एजेज सदाशिव जो रिटायर्ड जस्टिस, उसने एक कमीशन बनाया था। कमीशन के हिसाब से एजे सदस्य वर्दी इम्प्लीमेंट जो कमीशन रिपोर्ट है इम्प्लीमेंट करो बोल के सालों से हमारे दलित के जो लेफ्ट एंड राइट बोलते होले मादिक बोलते बहुत सारे लोग सालों से स्ट्राइक करते बैठे हैं। हर जिले में जो स्ट्राइक करे जो जो सरकार जो इम्प्लीमेंट किए करोड़ों रुपये खर्च करवा के आपने सदा एजे सदस्य आयोग रिपोर्ट ने जो तैयार किया वो तैयार इम्प्लीमेंट करने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट सबमिट करने के लिए करो बोल के हमारे लोग हमारे भाई लोग जो दिन रात धरना प्रोसेसन कर रहे हैं उस लोगों को इस ये जो मणिकंठ राठौड़ एक चोर है इस चोर ने बोलता हमारे पास झाड़ू है हम उस झाड़ू से मारने का तरीका मालूम है हमारे जो घर में हथियार है हम बाहर निकाल भी ले सकते हैं अगर हम बाहर आते तो हम एकट होते तो तुमको भगाना पड़ेगा तुम आउट देश छोड़कर भागना पड़ेगा बोल के उसने एक स्टेटमेंट दिया है। अब उसको उस मणिकंठ राठौड़ को इस चोर को हम अभी बोलना चाहते हैं ये जो झाड़ू लेकर आके जो वही बोलने आए थे हमने इसको घर घुसकर झाड़ू जो बोला उसे झाड़ू से मारते नंगा लेकर आते हमने वही बात बोलने के लिए हमने पुलिस कमिश्नर ऑफिस आए इधर इसका बहुत हो गया अभी ये तड़ी पा रहे आपने जो ऑर्डर किया पुलिस कमिश्नर तड़ी पार के लिए ऑर्डर किया ये तो चोर है ये तो रौड़ी है ये तो डकैत है जो इसको जो तड़ी पर ऑर्डर हो गया हाईकोर्ट में स्टे लेकर आया स्टे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उनका स्टे वैकेंट करवा दो आप वरना हम कुत्ते जैसे उनको मारने वाले हैं। ये बोलता है कि ये लोग चोर है ब्लैकमेलर है अरे साले तेरे को क्या मालूम है ये जो ये तेरे जात तू बोलते है ना तेरे बाबा साहब अम्बेडकर सुधर बाबा साहब अम्बेडकर आने के बाद सुधर गए तुमने एससी में यही मल्लिकार्जुन खड़गे साहब दलित के लीडर लोग लंबाणी को एससी में ले लिया इतना तो याद रखो तू अक्कल है तेरे को बहुत सारे लंबाणी के लंबाणी में भी प्रोफेसर से लेक्चरर से बुद्धिमान लोग है बहुत सारे बाबा साहब अम्बेडकर मानने वाले लोग है इज्जत करने वाले लोग है तेरे को तो आंदोलन स्वामी जैसे स्वामी तेरे आगे करके तेरा लाइफ बर्बाद कर रहे ये तो इसको इसको तो मालूम होना चाहिए आंदोलन स्वामी तो इनको आगे रखकर ये जो नाटक कर रहे हैं ये बहुत दिन नहीं चलेगा और ये भी बोल रहे हैं हम अभी आंदोलन स्वामी के ऊपर आंदोलन जो है वो भगवा ये भगवादारी के ऊपर भी 10-15 केसेस हैं उनका ऊपर भी उनका आंदोलन स्वामी के ऊपर भी ये तो इनका गुरु मणिकंठ राठौड़ गुरु है उनके ऊपर भी हमने यही बोलने आए पुलिस कमिश्नर डीसी साहब को उस स्वामी के ऊपर भी अभी रौडी शीट ओपन होना है क्योंकि कतरनाड सेवन विथ 324 केस होता है तो गरीब लोगों के ऊपर इमिडिएटली आप रौडी शीट ओपन किए आपने इनका तो ऊपर तो लगभग 15 केसेस है मेरे पास रिपोर्ट है ये स्वामी को ऊपर रौडी शीट ओपन करवा दे ये स्वामी बोलता है कि गुलबर्गा में ये किया तो हम वो करता है ये मेरा लक्ष्मण अरे यार स्वामी तेरे को मालूम है हम क्या है बोल के तू तो ये स्वामी के पास इतना हिम्मत है तो तेरा भगवादारी को लेकर आओ स्वामी जी ये हमारे दलित बच्चों को लेकर मणिकंठ राठौड़ से गद्दार लोगों को लेकर आके तू नाटक करवाता है ना तू ये छोड़ दो ये नहीं चलने वाले है तो यही हमने बात करने के लिए पुलिस कमिश्नर जो नया पुलिस कमिश्नर साहब आया जो कोर्ट में हाईकोर्ट में उसमें मणिकंठ राठौड़ ने स्टे लेकर आया तड़ी पार के लिए उस तड़ी पार आदमी को इमिडिएटली जो ऑर्डर जो हाईकोर्ट से वैकेंट करवाना स्टे और उनको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उनको यहाँ से भगा देना है नहीं तो हम नहीं छोड़ने वाले उनको उस बोलता हम भगाएंगे उनको अरे साले तू क्या भगाते हैं हम इस देश के वारसदार है इस देश के संविधान लिखे हुए लोग है इस देश के स्वाभिमान लोग है तेरे जैसे चोर ले नहीं है तू गरीबों के जो राइस आता है उस चोर को चोरी करके जो आउट ऑफ कंट्री जो मेरे आउट ऑफ स्टेट को सेल करके तू जिंदा ये तेरे बाप जो इंडस्ट्रियलिस्ट था मणिकंठ राठौड़ टाटा बिरला था तेरे बाप ने इतना पैसा कमाए कहाँ से आया तेरे पास यही है चोरी के पैसा है ना तेरे पास ये बीजेपी वालों को समझना चाहिए ये मणिकंठ राठौड़ से जो बीजेपी का नाम भी बदनाम हो रहा है बीजेपी यहाँ गुलबर्गा में हम बहुत सारे बीजेपी फ्रेंड्स है बहुत सारे लीडर के साथ हम अच्छे संबंध है हमने उस बीजेपी लीडर को हम बोलना चाह रहे हैं कि इस मणिकंठ राठौड़ के नाम से हमने उस जितना भी सिंगल वर्ड से मणिक अपना खरगे एंड कंपनी के खरगे साहब एंड प्रियंका खरगे साहब के बारे में उसने बहुत 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 गंदे गंदे बात बोले हम चुप है अब हम चुप नहीं बैठने वाले हैं दलित सेना के बच्चे लोग दलित सेना की पूरा टीम
हम उनको ढूंढेंगे। सात दे आए तंद्रे हम अभी पुलिस कमिश्नर साहब को बोल के निकलते झाड़ू लेकर उनके घर को, उनको जितना भी प्रोटेक्शन देने के लिए तैयार करने आप पुलिस लोग पर तैयार करो, लेकिन मणिकंठ राठौड़ जहाँ भी मिलता झाड़ू से मार के लेकर आते हम नंगा। और एक साहब ये सुने में आ रहा छीतापुर तालुक से मणिकंठ को बीजेपी वाले टिकट दे, उसको बीजेपी का जो टिकट का जो सपना देख रहा ना ग्राम पंचायत मेंबर बन के दिखाओ बोलो उनको काय का बीजेपी एमएलए के सपना देखता हो, वो एक चोर को कोई वोट डालता, खाली बीजेपी के लोग कुछ आंदोलन स्वामी जैसे लोग आगे करवा के उसको हाईलाइट करवा रहे, और बीजेपी के बोलने वाला ऐसा गद्दा गंदे गंदे बात बोलने वाला कोई नहीं है, ये तो है मिले क्रिमिनल, ये क्रिमिनल के सामने लेकर रख कर ये लोग ऐसा ऐसा नाटक करके इनको पहले पंचायत में ये मणिकंठ राठौर को पंचायत इलेक्शन कॉन्ट्रैक्ट कर जीत कर आने के लिए बोल दीजिए। जय भीम जय टीपू सुल्तान, इसको मालूम होना चाहिए सेवालाल के खानदान के लोग ऐसा चोर नहीं बनते, सेवालाल के जो लोग हैं ना ईमानदार बनते हैं, सेवालाल के जो ना सूरवीर बनते हैं, लेकिन सेवालाल महाराज ने यह कहा था चोरी मत करो बोल के, तू तो सेवालाल के नाम से दब्बा है, इनको इमिडिएटली यहाँ की गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तड़ी पार करना, हाईकोर्ट जाना, हाईकोर्ट जाकर ये मणिकंठ राठौड़ को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी गुलबर्ग से तड़ी पार करना है बोल के हमने बोलने के लिए हम यहाँ पुलिस कमिश्नर पास आए हैं। जय भीम।